Welcome to Simply Lakshmi's Life. हे गाइस, कैसे हैं आप सब? और सुबह सुबह चिड़िया की चहचाहट सुन के ना मेरा दिन बन जाता है। और अभी मैं आ गई हूँ कृति के रूम पे। अभी 6:16 टाइम हुआ है, 6:30 तक वो उठ जाएगी और उसके बाद वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगी। कल से उसकी स्कूल स्टार्ट हो गई है आफ्टर समर वेकेशन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कृति किस तरह से सुबह सुबह अपने स्कूल के लिए रेडी होती है, वो भी ऑनलाइन क्लासेस के लिए। जैसे सुबह उठ के वो फ्रेश हो जाती है और उसके बाद सबसे पहला जो काम होता है वो अपने बेड को ठीक ठाक करती है, जो वो बहुत पहले से ही करती है, आप लोगों को पता ही है। कृति का ऑनलाइन जो क्लासेस है वो 8:25 से स्टार्ट होती है और वो 6:30 को उठ जाती है। तो उसके पास 2 घंटा टाइम रहता है, उसी बीच वो अपनी ब्रेकफास्ट करती है और साथ में वो नहा भी लेती है। ये 2 घंटे का जो गैप है बहुत ज़्यादा टाइम है, बच्चे आराम से अपने काम करते हैं और अपना काम खुद कर सकती है। ब्रेकफास्ट नहीं करना है। देखो सुबह सुबह कृति बबल्स लेके खेल रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अतनु अपनी प्लांट्स को टेक केयर कर रहे हैं। सुबह सुबह प्लांट्स से मुलाकात ना हो तो अच्छा नहीं लगता है ना आपको? सही बात, एकदम सही बात। और जब वो नहाती है उस टाइम में मैं उसकी रूम को पोछा कर देती हूँ, ताकि एक बार उसका क्लास स्टार्ट हो जाए तो कोई भी डिस्टर्बेंस उसको ना हो। और अभी समर का मॉर्निंग है तो मुझे आराम से टाइम मिल जाता है कि मैं पूरे घर को मॉपिंग कर देती हूँ। और अगर कभी पॉसिबल नहीं होता है तो मैं एटलीस्ट कृति की रूम की सफाई कर देती हूँ, उसके बाद जाके बाकी रूम की सफाई करती हूँ। और अभी मैं उसको स्कूल के लिए रेडी कर रही हूँ, उसकी हेयर टाई कर रही हूँ और उसने नहा भी लिया है। और ज़्यादा टाइम रहता है और अभी समर का टाइम है तो सुबह सुबह नहा ले रही है। अदरवाइज़ जब स्कूल जाना पड़ता था तब तो बच्चों को नहाना ही पड़ता था, बट लास्ट ईयर उसने क्या किया था, सुबह वो स्कूल कर लेती उसके बाद आफ्टरनून में नहाती थी। बट इस साल मैंने बोला है कि नहीं, आप सुबह ही नहा लेना, क्योंकि आदत जो है छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि जब उसका रियल स्कूल, मतलब स्कूल जाके वो स्कूल स्टार्ट करेगी, उस टाइम में प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस बार हमने क्या किया, उसकी जो सिटिंग अरेंजमेंट है सारा कुछ उसके रूम पे ही कर दिया है, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। कभी वो डाइनिंग टेबल पे, कभी हॉल पे, ऐसे उसको करना पड़ता था और सारे किताब बुक्स वगैरह सारा कुछ उसको लेके जाना पड़ता था। बट इस बार हमने उसकी जो स्टडी टेबल है वहीं पर सारा अरेंजमेंट कर दिया है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग आदिति सिन्हा। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। और अभी वो अपनी टीचर के साथ अपने समर वेकेशन में उसने क्या क्या किया सारा कुछ वो शेयर कर रही है। इस तरह से बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। और मैं जो चीज़ नोटिस मैंने किया है कि हमारे टाइम का जो स्टडी करने का स्टाइल था और अभी का जो स्टडी करने का स्टाइल है बहुत ज़्यादा अलग है। बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं उस चीज़ को। हम लोग बहुत मतलब बहुत बड़े हुए उसके बाद जाके हम लोग के अंदर वो इंटरेस्ट आया।
और अभी मैं आ गई हूँ नीचे वेजिटेबल का शॉपिंग करने के लिए। और वेजिटेबल का जो वैन है वो काफ़ी दिनों से नहीं आया था, और सडनली आज देखा कि आया है, तो मैं आ गई हूँ नीचे बनाना लेने के लिए। और वेजिटेबल बहुत कम था, फ्रूट्स ज़्यादा था। वो दे दीजिए 1 kg। आलू 25। अच्छा, आलू और ऑनियन दे। सब्जी ज़्यादा नहीं है, टमाटर है। और मुझे जल्दी जल्दी नीचे जाना था, तो वही कपड़े में मैं चली गई थी, आके मैंने चेंज कर लिया है। और अभी कृति का ब्रेक का टाइम हो गया है, तो वही उसके लिए मैं स्नैक्स रेडी कर रही हूँ। आज मैं उसको एप्पल दे रही हूँ, और साथ में अतनु भी है, अतनु को भी ब्रेकफास्ट देना है। और अभी चल रहा है कृति का ब्रेक, तो वही इस ब्रेक में मैं उसको छोटा मोटा कुछ स्नैक्स दे देती हूँ, कभी बनाना कभी एप्पल। ज़्यादातर बनाना वो रोटी के साथ लेती है, तो इसके लिए एप्पल या मौसमी का जूस इस टाइप का कुछ देती हूँ। और अगर वो इस टाइप पे एप्पल लेती है तो मौसमी का जूस जो है वो आफ्टरनून में देती हूँ 12, 12:30 बजे। कृति का और एक क्लास खत्म हो गया, और कैसा लग रहा है? अच्छा, अभी इस साल भी घर से ही तुम लोगों को क्लासेस करने हैं, ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं थोड़ा सा वॉक कर लूँ, फिर देखते हैं कब स्टार्ट। 10:30। तो मैं बबल्स फुलाती हूँ। हाँ, वही उसका एक काम हो गया है, जब भी मौका मिल रहा है ना बबल्स लेके। और हर क्लास ख़त्म होने के बाद वो इधर उधर घूमती है, आजकल उसे बबल्स मिल गया है तो उसी को लेके वो अपना टाइम स्पेंड कर रही है। और अभी उसका चल रहा है लास्ट योगा क्लास। और स्कूल ख़त्म होते ही अपना कारपेट, लैपटॉप, बुक्स वगैरह सारा कुछ वो खुद ही रखती है। बच्चे बहुत समझदार होते हैं, एक बार बोलने से ही उन लोगों को पता चल जाता है कि ये सब काम हमारा ही है। तो पहले पहले मैं उसको बोलती थी, अभी उसको बोलना नहीं पड़ता है। और देखो बेड का हालत क्या किया, खुद ही ठीक करो। ठीक है, ठीक है, ओके। तो कृति का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। अभी टाइम हुआ है 12:00, तो 12:07 को, अच्छा 12:07 को कृति का क्लास ख़त्म होती है। तो आजकल मतलब सुबह से 12 बजे तक मैं फ्री, मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। वो बार बार नहीं बोलेगी मम्मा आ जाओ, मम्मा ये करो, मम्मा ये देखो, क्योंकि कुछ ना कुछ बच्चों का चलता ही रहता है। और मैं अभी जाऊंगी कुकिंग करने के लिए, सुबह सुबह कुछ काम रहता है वो सभी करती हूँ। और ये अतनु अपने काम पे अपनी जगह पे आ गए, एकदम क्या करूं। ओके, हाँ ऑफिस डे है। ओके, तो चलिए आज का व्लॉग हम लोग एक एंड करेंगे। और आज का व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा, कृति नहीं आ रही है फ्रेम पे, यहाँ आ जाए, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत दिनों का रिक्वेस्टेड वीडियो था, तो मैंने बोला ही था आप लोगों को कि अगर कृति का जिस दिन मतलब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगा उसी दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फाइनली वो दिन है आज। और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे मतलब बच्चे का स्कूल अभी ओपन नहीं हुआ है, बहुत जल्द ओपन होने वाला है। वैसे तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में अभी बच्चों को ज़्यादा कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, बच्चे बहुत कुछ सीख चुके हैं एक साल में। तो ये साल बहुत ज़्यादा स्मूथ जाएगा बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस, और मम्मी पापा को भी इतना बिजी शायद नहीं रहना पड़ेगा क्लासेस के टाइम।
बाकी टाइम तो है ही। तो चलिए आज का व्लॉग हम लोग ये एंड करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृति ने तो बोल दिया है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ, स्टे होम स्टे सेफ।